अखंडित बिजली सप्लाई की वजह से लोगों को घर में रुका सक रहे हैं। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने बिजली अधिकारियों कर्मचारियों की तारीफ की। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए डॉक्टर नर्सों पुलिस कर्मियों और प्रशासन कर्मियों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए सभी को बिजली आपूर्ति क्षेत्र में इंजीनियरों तकनीकी कर्मचारियों और अधिकारियों के योगदान पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली कंपनियों द्वारा निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के कारण सरकार के लिए घर पर लोगों को रोकना संभव था। ऊर्जा मंत्री ने अपने प्रदर्शन के लिए महादेव राणा, महालक्ष्मण और महानिर्मिति कंपनी में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा कि बिजली कर्मचारी हर चुनौती को पूरा करने में सक्षम थे। कोरोना की बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टरों और नर्सों को स्वास्थ्य क्षेत्र में खतरों के बारे में पता है, क्योंकि बीमारी की घटना चीन और अन्य देश में फैल गई है। लेकिन बिजली के क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बनाए रखने वाले कर्मचारी हर दिन बिजली की आपूर्ति को जोखिम में रखते हैं। ज्यादातर समय उन्हें एक बिजली दुर्घटना से निपटना पड़ता है। दुर्घटनाओं से जीवन और विकलांगता का नुकसान हो रहा है। जब बिजली हमारे घर से बाहर जाती है तो हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन बिजली की आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए धूप, बारिश और ठंडे मौसम में रात भर काम करना आसान नहीं। कोरोना के प्रकोप से खुद को बचाने के लिए हम सभी आज घर में बैठे हैं, लेकिन साथ ही वे घर से बाहर आने और बिजली की आपूर्ति बनाए रखने के जोखिम से अवगत है। राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है और बाजार और कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। चूंकि काम के लिए कार्यालय तक कोई पहुंच नहीं सकता, इसलिए घर से काम करने के लिए बिजली की आपूर्ति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। महावितरण इसे सरल रखने के लिए विशेष सावधानी बरत रही है। महावितरण द्वारा इसके लिए योजना भी बनाई गई है। आवश्यकता अनुसार बिजली करने के लिए अधिकारियों, इंजीनियरों और श्रमिकों ने एनएम के विभिन्न उत्पादन केंद्रों में उचित योजना बनाई है और इसी के अनुसार बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। डॉक्टर महाजन ने कहा कि पावर स्टेशन से उत्पन्न बिजली के प्रसारण के बाद से महावितरण के उप महाद्वीप में बिजली का प्रसारण महायूरिशन द्वारा किया जाता है।